मैं बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। खाना खाने के बाद बाप करता था बेटी का बलात्कार, होली के दिन दिल्ली में काटे गए 13,219 चालान, पत्नी को गोली मारकर मंत्रालय के सह सचिव ने की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, पश्चिम जिले के पंजाबी बाग इलाके में एक व्यक्ति ने पिता बेटी के रिश्ते को शर्मसार करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, नशे और चंद रुपए के लिए आरोपी पिता ने अपने दोस्ते से भी मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक 7 साल की बच्ची अपने पिता के साथ 4 महीने से रह रही है और उसकी मां टीबी की बीमारी से ग्रस्त होने के कारण भाई और दादी के साथ गांव में ही रहती है। मासूम बच्ची इलाके में स्थित स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्र है। वारदात के बारे में उस वक्त पता चला जब बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई थी। जब बच्ची ने ट्यूशन टीचर को सारी बात बताई तो सबके होश उड़ गए। बच्ची के खुलासे के बाद टीचर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बच्ची को एक NGO को सौंप दिया और पुलिस ने आरोपी पिता और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस के अनुसार होली के मौके पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोगों के लिए खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी। राजधानी दिल्ली में होली के मौके पर पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच शांतिपूर्वक ढंग से त्यौहार संपन्न हुआ। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगभग 4,000 छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई। ट्रैफिक पुलिस ने भी वाहन चालकों के खिलाफ जमकर एक्शन लिया और 13,000 से ज्यादा वाहन चालकों के चालान किए। विभिन्न इलाकों में 5,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। पुलिस के अनुसार अभी तक होली पर किसी भी प्रकार की बड़ी घटना होने की सूचना नहीं मिली है और शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। पंडरपुर मंत्रालय में सह सचिव पद पर कार्यकर्ता रहने वाले विजय पवार, इन्होंने घर गुत्थी झगड़े को लेकर गुरुवार की रात पत्नी पर 2 गोली मारकर और साथ ही साथ खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पवार इनकी पत्नी को सोलापुर अस्पताल यहां ले जाया गया। फिलहाल सोनाली विजय पवार इनकी हालत अब ठीक है, आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।